सो अभी यार बताने वाला हूँ भाई आप लोगों को कितने की पड़ेगी अपने मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में। देख सकते हो भाई इतनी भाई समथिंग 3 इंचेस की भाई इसकी पुशनिंग है। और एक यार छोटी सी इसमें प्रॉब्लम है यार, पीछे से देख सकते हो कुछ यार इसका मतलब बैक साइड से कुछ यार इस तरह का लुक है। सो इसकी टॉप एंड जो है भाई वो इस सेगमेंट में आई थिंक थोड़ा सा कम है। और इसमें एलॉय जो है भाई आपको देख सकते हो भाई कुछ इस तरह से यार आपको मिलते हैं। सो यहाँ पे क्या है ना यार आप लोगों को थोड़ा इसमें यार चार्जिंग पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। सो हेलो फ्रेंड, फिर से स्वागत है आपका अपने एक और न्यू ब्लॉग में। और आज यार अपने सामने खड़ी है जावा बोबर 42 कॉपर कलर में। और उसके अलावा आप इधर देख सकते हो सारी यार बाइकें खड़ी हुई हैं। और ये खड़ी है थोड़ी यार हिमालयन टाइप में और ये जावा 42। और यार रिसेंट यार कुछ टाइम पहले यार अपने साथ के यार एक फैजान भाई उन्होंने यार ये परचेज़ की थी, काफ़ी ठीक है यार ये भी। और उसके अलावा ये सारे कलर हैं वो भाई थोड़ा ग्रीन कलर में, ये मैट कलर में, ब्लैक कलर, जावा, सारी जावा की यार आपको बाइक यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी। ये वाइट कलर में जावा 42 है भाई, ये आपको ये सारे कलर मिल जाते हैं, वाइट कलर, ग्रीन कलर, ब्लैक कलर। बट अभी यार जो अपन बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं भाई जावा बोबर 42 पे। आज मैं आपको इसी का पूरा रिव्यू देने वाला हूँ, कितने की आ रही है आपको पड़ेगी, कितना आ रही है माइलेज देती है, सारी चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले यार बात कर लेते हैं इसमें यार जो सबसे अलग चीज़ है वो भाई इसका देख सकते हो कहाँ पे यार ये एक अलग ही जगह पे यार ये इसका मतलब की का दे रखा है। सो सबसे पहले यार मैं आपको इसका इग्निशन दिखाता हूँ कुछ यार यहाँ से की इसकी ऑन होती है। और उसके बाद मैं यार यहाँ पे हाय आपको देखने के लिए मिलता है। तो सारी चीज़ें भाई ये आपको बताएगा, टर्न इंडिकेटर का आपको दिखाएगा, न्यूट्रल बाइक है या नहीं है वो भी आपको दिखाएगा, ABS की लाइट भाई इसमें ऑन होती रहेगी, किस गियर में, टाइमिंग, सारी चीज़ें यार आप लोगों को इसमें दिखा दिए। छोटा सा भाई इसका ही मीटर और इसमें आपको सारी डिटेल देखने के लिए मिल जाती है। और उसके अलावा यार सारी चीज़ें यार मुझे अभी तक यार इसमें देखने में ना बड़ी प्यारी लग रही हैं। कलर सबसे पहले यार मुझे इसका बड़ा प्यारा लग रहा है, देख सकते हो यार कॉपर कलर। और ये भाई अभी यार आपको अगर ये सिंगल सीट में परचेज़ करनी है वो भी आपको मिल जाएगी, अगर डबल में करनी है तो भाई वो अटैच हो जाती है। बट अभी जो आपके अपने सामने खड़ी है सिंगल सीट में खड़ी है, सो कलर कॉम्बिनेशन इसका एकदम परफेक्ट लग रहा है। और उसके अलावा यार मैं आप लोगों को कुछ चीज़ यार इसमें दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे क्या है ना यार आप लोगों को थोड़ा इसमें यार चार्जिंग पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है कुछ इस तरह से। एंड भाई आई थिंक यार इसमें आप अपना आईफोन भी चार्ज कर सकते हो इस तरह का। भाई आपको इसमें दो स्लॉट मिल जाते हैं, एक USB का, एक ये अलग तरह का आई थिंक आईफोन का भाई है। सो चलो ठीक है यार, अगर कंपनी यार ये सारी चीज़ें देती है तो सही रहता है, वरना अदरवाइज यार आप अगर आफ्टर मार्केट लगवा दे तो उससे आपकी थोड़ी वायरिंग ख़राब हो जाती है। और उसके अलावा यार ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, ये थोड़े आपके इसके कंसोल मीटर के लिए, थोड़ी इसमें सेटिंग करने के लिए जो भी चीज़ यार इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं। बाकी नीचे की तरफ भाई आपको ये हॉर्न मिल जाता है, ये भाई आपको इंडिकेटर के लिए मिल जाता है। बाकी यार यहाँ पे पास देने के लिए आपको मिलता है। साइड से यार कुछ इस तरह से यार इसकी प्रोफाइल है, अभी आप देख सकते हो जावा 42 1929 ओरिजिनल जावा। और ये भाई कुछ इसका इस तरह से इंजन है। पर और कुछ यार इसका जो देख रहे हो ना यार एकदम पूरी बाइक यार ये भरी हुई है, देख सकते हो डुअल एग्जॉस्ट में यार आपको ये देखने के लिए मिलती है। और फ्रंट प्रोफाइल से कुछ यार ये इस तरह की लगती है। और अभी यार मैं आपको थोड़ा सा ऑन करके दिखाता हूँ इसकी थोड़ी सी। सो ये भाई ऑन करने के बाद में कुछ यार ये छोटी सी आपको हेडलाइट में छोटा सा ये LED आपको भाई दिखेगी, बाकी यार ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, छोटी सी भाई आपको ये LED लाइट इसमें जलती हुई दिखेगी और आप भाई इसका इग्निशन ऑन करोगे। बाकी उसके बाद में आपको ये छोटे छोटे भाई इसमें इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाते हैं, काफ़ी प्यारे लग रहे हैं ये। एंड आई थिंक भाई ये LED इंडिकेटर छोटे हैं और काफ़ी भाई इसकी क्वालिटी है ना बहुत ही ज़्यादा हैवी है, अभी तक यार मैंने जितनी बाइक देखी है ना उन सबसे ज़्यादा भाई इसकी हैवी है। अभी देख सकते हो राइट नाउ भाई कहीं से इधर उधर कहीं भी नहीं जा रहा, इतने ज़्यादा हैवी हैं छोटे इंडिकेटर आपको देखने में लग रहे हैं सिर्फ और सिर्फ। और बाकी यार ये फ्रंट वाला आपको मरगार्ड थोड़ा सा ये ग्लोसी में देखने के लिए मिल जाता है। और आगे की तरफ यार आपको देखने के लिए मिलता है डिस्क ब्रेक और ABS होना भी चाहिए भाई, इतनी बड़ी यार बाइक है तो डिस्क ब्रेक और ABS दोनों भाई होना कंपलसरी भी है। और उसके बाद में यार बात कर लेते हैं यार फ्रंट टायर की। और इसमें एलॉय जो है भाई आपको देख सकते हो भाई कुछ इस तरह से यार आपको मिलते हैं, ये थोड़ा भाई इस तरह से यार ये आपको एलॉय देखने के लिए मिलता है ये वाला। बट यार चलो अभी मैं आपको इसका टायर बताता हूँ। सो भाई इसका जो टायर है 190 का भाई आपको इसका टायर देखने के लिए मिल जाता है फ्रंट वाला, C8 के आपको इसमें टायर देखने के लिए मिलते हैं 190 का। और अभी यार मैं आपको बैक वाला दिखाता हूँ और ये मिलता है भाई आपको, ये भाई इधर दे रखा 140/70 का भाई आपको इसमें बैक वाला टायर मिल जाता है C8 का। और पीछे से यार इसका कुछ इस तरह से लुक है। और अभी यार ये सिंगल सीट में है और पुशनिंग देखो भाई,
पुशनिंग भाई बहुत ही ज़्यादा प्यारी इसकी पुशनिंग है, देख सकते हो भाई इतनी भाई समथिंग समथिंग 3 इंचज़ की भाई इसकी पुशनिंग है। और ये जावा का भाई आपको लोगों को देखने के लिए मिलता है, ये थोड़ी भाई इस तरह से है ना, तो आप कहीं जाओगे नहीं, आपको लग रहा होगा भाई कोई गिर जाएगा। और इसमें अगर आपको डबल सीट अटैच करानी है तो भाई वो भी अटैच हो जाती है। और पीछे की तरह से यार कुछ इसका इस तरह से लुक है। और ये अभी यार राइट नाउ अभी आप ये चेक कर सकते हो एग्जॉस्ट भाई कितना मतलब अलग तरह का इसका एग्जॉस्ट है। यहाँ तक भाई छोटा सा एग्जॉस्ट है, बुलेट की तरह भाई एग्जॉस्ट नहीं है इसमें, छोटा सा भाई इसमें डुअल एग्जॉस्ट है, एक लेफ्ट साइड में दे रखा है और एक भाई राइट साइड में। और इसमें क्या भाई आपको 6 गियर देखने के लिए मिल जाते हैं, 6th गियर भाई आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। और यहाँ पे भाई आपको सिर्फ गियर के लिए मिलता है। और ये क्या छोटी सी इसमें प्रॉब्लम है, एंड आई थिंक भाई वो शायद मे भी बाद में कंप्लीट बाइक कंप्लीट होने के बाद में दे सकते हैं आपको, क्योंकि यार अगर यहाँ पे पिलियन बैठेगा तो उसके लिए यार कोई भी पैर रखने के लिए जगह नहीं है, वो यार अभी तो नहीं है, पता नहीं भाई अगर मतलब परचेज़ करने के बाद में मे भी ये लोग लगा करके दे सकते हैं सीट के साथ में, हो सकता है अलग ऐसे सीरीज में, बट राइट नाउ अभी यार इसमें है नहीं। आपको इसमें 334 cc का इंजन देखने के लिए मिल जाता है 6 ट्रांसमिशन गियर के साथ में, काफ़ी ज़्यादा है यार, सही है। आप तो यार ज़्यादातर 6 ट्रांसमिशन गियर देखने के लिए मिल रहे हैं आपको 250 सेगमेंट की बाइक हो, चाहे 150 हो, चाहे 400 सेगमेंट की बाइक हो। और उसके बाद में यार बात कर लेते हैं भाई इसके फ्यूल टैंक की, जो इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है भाई वो 14 लीटर की इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है समथिंग, यार इतनी आती है 13-14 तक यार फ्यूल टैंक कैपेसिटी आती है एक नॉर्मल बाइक की। सो उसी तरह से कुछ यार इसकी भी 14 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी काफ़ी ठीक है गिलोसी में। और अभी यार मैं आपको इस पर थोड़ा बैठ करके दिखाता हूँ। सो कुछ यार इस तरह से यार इसका व्यू निकल के आएगा, मैं यार काफ़ी ऐसे लग रहा है बिल्कुल नीचे बैठा हूँ। अभी यार आप ये देख सकते हो कुछ यार आपको इस तरह से इसका व्यू देखने के लिए मिलेगा, काफ़ी प्यारा लग रहा है। ये भी भाई ग्लोसी में, पूरा ग्लोसी में है, परफेक्ट लग रही है। और बिल्कुल यार सीधा सिंपल भाई इसके हैंडल है। और साइड में यार ये आपको मिरर देखने के लिए मिल जाते हैं कंपनी के साथ ही, यार आपको इस तरह के यार ये मिरर देखने के लिए मिलते हैं। सो आजकल क्या यार ये मिरर भी चल रहे हैं, आपको कोई भाई आफ्टर मार्केट लगाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, और इनकी वजह से लुक और प्यारा लगता है। और उसके बाद में यार बात कर लेते हैं भाई, जैसा कि यार इसका 350 cc का इंजन है, सो इसकी टॉप एंड जो है भाई वो इस सेगमेंट में आई थिंक थोड़ा सा कम है जो कंपनी वाले क्लेम करते हैं भाई। 130 का इसका मतलब बताते हैं टॉप स्पीड जावो 42 बोबर का, और देखने में तो ऐसे लगता है जैसे समथिंग 200+ चली जाएगी, 250 चली जाएगी, बट 130 यार क्योंकि यार ये स्पोर्ट्स बाइक नहीं है तो इसी वजह से यार इनमें टॉप एंड थोड़ा कम होता है। और अभी यार उसके बाद में यार थोड़ी यार बात कर लेते हैं यार ये जो पावर जो जनरेट करता है भाई 334 cc का इंजन, तो 29.51 bhp की भाई ये पावर जनरेट करता है। और ये देख सकते हो भाई पूरा लोहा स्टील दे रखा है इसमें, बट अदरवाइज और बाइक की तरह मतलब ना ही इसमें प्लास्टिक आपको देखने के लिए, पूरा भाई स्टील की बाइक है, लोहा स्टील एकदम मजबूत। और ये सारी चीज़ें हैं इधर की तरफ भाई आपको ये देखने के लिए मिल जाती है बोवर 42, यहाँ से आई थिंक यार ये सीट ओपन हो जाती है। और उसके बाद में यार पीछे से देख सकते हो कुछ यार इसका मतलब बैक साइड से कुछ यार इस तरह का लुक है। बाकी यार सीट के नीचे भाई इसमें यार सस्पेंशन दे रखा है ब्लैक कलर का, मतलब पता भी नहीं चल रहा, वाइट का होता है यार तो थोड़ा दिखता भी है। बिल्कुल भाई यहाँ पे इसका यार ये सस्पेंशन दे रखा भी आराम ये देख सकते हो, सो बिल्कुल यार पता ही नहीं चल रहा ब्लैक कलर में, वाइट कलर में बनना अदरवाइज और बाइक में वाइट कलर में होता है, सो इसमें क्या भाई ब्लैक कलर में ही है, बिल्कुल बीच में दे रखा है, तो आपको यार सस्पेंशन यार और भी ज़्यादा प्यारा लगता है। बाकी पीछे से यार इसका कुछ इस तरह का लुक है। ये भाई साइड में आपको इंडिकेटर देखने के लिए मिलते हैं, और ये भाई नंबर प्लेट के लिए आपको यहाँ जगह देखने के लिए मिल जाती है। और ये भाई छोटी सी बैक लाइट, प्यारी है भाई, मजबूत तो यार एकदम परफेक्ट है, बाकी बाइक से अलग है, पूरा लोहा स्टील यार जैसे मैंने आप लोगों को बताया, तो बैक से यार कुछ इसका इस तरह का लुक है। बाकी यार अभी यार ये सिंगल सीट में, अगर आप लोगों को यार डोल में चाहिए तो वो भी अभी मिल जाएगी। सो अभी यार बताने वाला हूँ भाई आप लोगों को कितने की पड़ेगी अपने मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में। सो अभी जो भाई इसका एक शोरूम प्राइस बताया मुझे मैम ने, वो भाई बताया 215,500 की भाई ये आपको एक शोरूम मिलेगी डुअल सीट के साथ में। सो अभी यार जैसे यार मैंने आप लोगों को बताया है एक शोरूम, यार मैंने आप लोगों को बता दिया 2,00,000 रुपीज़ की भाई आपको पड़ेगी ऑन रोड पड़ने वाली। और उसके अलावा अगर आपको एक्स्ट्रा एसेसरीज लगानी है उसके लिए आप लोगों को पे करना पड़ेगा। सो 2,73,000 पे जो आपको मिलेगी एक बैक रैक मिलेगी और आपको आपको बैक सीट मिलेगी, बाकी छोटी मोटी एसेसरीज है। और उसके अलावा आपको अगर एक्स्ट्रा कुछ भाई अगर लेना तो उसके लिए आप लोगों को पे करना पड़ेगा,
बट फाइनली जो भाई वो है आपका भाई 273,000। और ये भाई आपका पड़ता है अपने मुरादाबाद दिल्ली रोड। और मैं आपको भाई पूरा मतलब एड्रेस मेंशन कर दूंगा, जिस भाई को भी लेनी हो वो भाई आकर के ले सकते हो। सो बट फिलहाल तो यार अभी के लिए इतने ही, मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।